राज्यसभा में चीन पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान, कहा जवानों ने मुल्क की हिफाजत के लिए दी कुर्बानी, चीन एलएसी को नहीं मानता, हिंदुस्तान चीन सरहद तनाजा अब तक अनसुलझा। वजीर दिफा ने जानकारी देते हुए कहा कि हिंदुस्तान की जानिब से उकसाने की कार्रवाई नहीं की गई, चीन ने कसीर तादाद में फौजी तैनात किए, हिंदुस्तान ने भी जवाब में फौजियों की तैनाती की, किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटेंगे। वजीर दिफा ने कहा कि चीन की किसी भी कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा, फौज किसी भी तरह के हालात से निपटने को तैयार, फौज ने सब्र और हिम्मत का मुजाहरा किया, लद्दाख में चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं, बाहमी मुआहदे पर चीन संजीदा नहीं। एलएसी पर चीन के साथ कशीदगी के बीच ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के सलाहकारों की मीटिंग, आज वर्चुअल बैठक में आमने सामने होंगे एनएसए अजीत डोभाल और चीन के कौमी सलामती सलाहकार यांग जिएजी। वजारत खारजा ने चीन के सफीर के सामने उठाया पीएम मोदी समेत 10,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी का मुद्दा, चीन की सफाई निजी कंपनी है जिनहुआ। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट केसी वेणुगोपाल के सवाल पर वजीर खारजा ने खत लिखकर दी जानकारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 70वां यौम पैदाइश आज, पीएम मोदी के एजाज में बीजेपी बना रही है सेवा सप्ताह। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने वजीर आजम मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी, ट्वीट कर लिखा दोनों ममालिक के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए हम करेंगे काम। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने अंदाज में पीएम मोदी को दी 70वीं सालगिरह की मुबारकबाद, पटनायक ने रेत से बनाई पीएम मोदी की तस्वीर। श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़, 3 दहशतगर्द मार गिराए गए, तसादुम में एक खातून की भी मौत, सिक्योरिटी ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। मुल्क में कोरोना का आदाद शुमार 51 लाख के पार, 24 घंटे में आए 97,000 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 1,132 लोगों की मौत। बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का दावा, गंगा जल का इस्तेमाल करने वालों को नहीं होगा कोरोना। जम्मू कश्मीर के बालाकोट और मनकोट में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, हिंदुस्तानी फौज दे रही है मुंह तोड़ जवाब। कल पीएम देंगे बिहार को बड़ी सौगात, तारीखी कोसी रेल महासेतु के साथ मुसाफिरों की सहूलत से मुतालिक रेल के 12 मंसूबों का रखेंगे संगे बुनियाद। साबिक एमएलसी नवल किशोर यादव का तेजस्वी पर बड़ा हमला, नवल किशोर ने तेजस्वी का मुवाजना दुर्योधन से कर दिया, कहा कि दुर्योधन जब कोई सवाल करता है तो महाभारत होती है, जबकि अर्जुन के सवाल से गीता की रचना होती है। तेजस्वी के 17 सवालों के जवाब में बीजेपी लीडर और वजीर विजय सिन्हा ने हिसाब दिया, कहा वजीर आला नीतीश कुमार के मुद्दतकार में ही बिहार में नौकरियों की बहार आई। ऐवान में उठा पीएम किसान सम्मान निधि का मुद्दा, एमपी संतोष पांडे का इल्जाम, किसानों का डाटा मुहैया कराने में बघेल सरकार नाकाम। सतना में रेप के मुल्जिम अतीक मंसूरी की अजगाह जमींदोज, नगर निगम ने नजीराबाद में फार्म हाउस पर चलाया बुलडोजर। यूपी के रामपुर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया, प्यार में पड़ी लड़की से नाराज वालिद ने बेटी का कत्ल कर दिया। मेरठ में छेड़छाड़ से परेशान लड़की ने छत से कूदकर खुदकुशी की, पड़ोसी मुकेश पर छेड़छाड़ और परेशान करने का इल्जाम। बंगाली बाबा मौनी राय पहली बार पर्दे पर जासूस के किरदार में नजर आएंगी, फिल्म लंदन कॉन्फिडेंशियल में रॉ एजेंट बनी मौनी राय। अक्षय कुमार स्टार फिल्म लक्ष्मी बम की रिलीज डेट आई सामने, 9 नवम्बर को दिवाली पर रिलीज होगी लक्ष्मी बम। बिग बॉस में नहीं जाएंगे यूट्यूबर कैरी मिनाटी, ट्वीट कर अफवाहों को किया खारिज। यूएई के सफर के लिए आरटीपीसीआर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, 12 साल से ज्यादा उम्र की लोगों के लिए लाजमी। और अमेरिका में कोरोना को लेकर सदर ट्रंप पर जो बाइडेन का हमला, कहा वैक्सीन और साइंसदानों पर यकीन कर सकते हैं लेकिन ट्रंप पर नहीं।